नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है आकाश और मेरा भी नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से एक बार पब्लिक की डिमांड पे टॉप 10 सेक्सी एडल्ट मूवीज़ की लिस्ट। ये सारी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल है जो कि आज मैं आपको अपनी लिस्ट में बताने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता हुआ कि मगरमच्छ के आंसू कभी सच्चे नहीं होते, वैसे ही इस वीडियो को देखने वाले बच्चे नहीं होते, तो बच्चे इस वीडियो से दूर रहे और खासकर इस लिस्ट में बताई गई मूवी से और भी ज़्यादा दूर रहे। तो आइए दोस्तों, बिना ढंग हवा स्टार्ट करते हैं टॉप 10 एडल्ट मूवीज की लिस्ट। तो नंबर 10 पे आती है मिल्फ नाम की मूवी, जिसे सन 2018 में रिलीज किया गया था। 1 घंटे 41 मिनट की इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों, कि कुछ औरतें होती है जो कि तकरीबन 40 के आसपास की होती है उम्र में, तो उनके मन में कुछ ऐसी ख्वाहिशें जागती है कि वो अपने सिर्फ जवान और छोटे उम्र के लड़कों को पटाए। तो आगे क्या होता होगा इस स्टोरी में, उनको पटाने के बाद वो उनके साथ क्या करती होगी, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मिल्फ नाम की कमाल की मूवी। और अगले नंबर पे आती है 9 सॉन्ग्स नाम की मूवी, जिसे कि सन 2004 में रिलीज किया गया था। 1 घंटे 11 मिनट की इस मूवी में दिखाया गया है कि एक लड़का और एक लड़की एक रॉक कॉन्सर्ट में मिलते हैं। तो इंग्लैंड में हुए उस रॉक कॉन्सर्ट में उन दोनों के बीच में क्या होता है और आफ्टर द रॉक कॉन्सर्ट उनके साथ क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी 9 सॉन्ग्स नाम की ये मूवी। और अगले नंबर पे आती है हार्ट टिकट टू हवाई। दोस्तों, ये मूवी थोड़ी पुरानी है, बट अगर आप उसको देखेंगे तो आपको 101% पसंद आएगी। इस मूवी को सन 1987 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है एक्शन एंड थ्रिलर। 1 घंटे 40 मिनट की इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि डोना एंड टायरन, जो कि दो कार्गो ऑपरेटर्स होते हैं, वो दोनों मिलके एक ड्रग लॉर्ड से किसी बात पे भिड़ते हैं। तो क्या होती है वो बात, और डोना और टायरन के साथ वो ड्रग लॉर्ड क्या करता है, या डोना और टायरन आपस में ही मिलके क्या करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हार्ट टिकट टू हवाई नाम की ये मूवी। और अगले नंबर पे आती है नाउ एंड लेटर नाम की मूवी, जिसे कि सन 2009 में रिलीज किया गया था। 1 घंटे 37 मिनट की इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि एक डिस्ग्रेस्ड बैंकर होता है जिसका नाम होता है जेम्स, वो अपनी एक इलीगल इमिग्रेंट के साथ अफेयर करता है। तो उनका अफेयर किस हद तक जाता है और वो लड़की उस डिस्ग्रेस बैंकर जिसका नाम जेम्स होता है उसको किस तरीके की दुनिया दिखाती है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी नाउ एंड लेटर नाम की ये मूवी। और अगले नंबर पे आती है द एक्सटर्मिनेटिंग एंजल्स। इस मूवी को सन 2006 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है ड्रामा एंड फैंटेसी। 1 घंटे 40 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 5.4 की रेटिंग दी है। और इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि एक फिल्म मेकर अपनी ही एक्ट्रेस के साथ कुछ ज़्यादा ही सेक्सुअली करेक्ट हो जाता है और वो आपस में बहुत ज़्यादा लगे पड़े रहते हैं, दिन रात 24 घंटे सब वो काम आपस में करते रहते हैं। तो इस चीज़ का नतीजा क्या होता है आगे जाकर उन दोनों के करियर पे, ये सब आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगले नंबर पे आती है डॉन ऑफ फेलिनेस नाम की मूवी। इसे सन 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है ड्रामा एंड पोर्नोग्राफिक। 1 घंटे 25 मिनट की इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि 3 एस्कॉर्ट लड़कियां जो कि टोक्यो में रहती है, उनका एक्सपीरियंस और अकेलापन किस हद तक जाता है और वो अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए क्या क्या हदें पार करती है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी डॉन ऑफ फेलिनेस नाम की एक कमाल की मूवी। और अगले नंबर पे आती है क्यू डिजायर नाम की मूवी। गूगल पे इस मूवी को अगर आप सर्च करेंगे क्यू डिजायर लिख के तो सिर्फ इस मूवी का नाम क्यू आएगा, बट इस मूवी का ऑफिशियल नाम है क्यू डिजायर, बट गूगल में पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा। इस मूवी को सन 2011 में रिलीज किया गया था। मूवी का जोनर है ड्रामा एंड कॉमेडी ड्रामा। 1 घंटे 43 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 5.5 की रेटिंग दी है। और क्यू डिजायर मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि एक लड़की की क्या डिज़ायर होती है, क्या चाहत होती है, उसे क्या क्या चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, खासकर ऐसी लड़की जो कि यूनाइटेड स्टेट जैसे ओपन माइंडेड कंट्री में रहती हो। और अगले नंबर पे आती है बैटल इन हेवन नाम की मूवी,
जिसे कि सन 2005 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है ड्रामा एंड क्राइम। 2 घंटे 6 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 5.6 की रेटिंग दी है। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि एक आदमी होता है जिसका नाम होता है मार्कोस। मार्कोस और उसकी बीवी मिलकर एक बच्चे को किडनैप करते हैं। वो बच्चा किसी कारणों से हकीकत में ही मर जाता है किडनैपिंग के दौरान। तो मार्कस और उसकी बीवी अपनी इस गलती को सुधारने के लिए किस हद तक जाते हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी बैटल इन हेवन नाम की ये मूवी। और अगले नंबर पे आती है वेट वुमेन इन द विंड। इस मूवी को सन 2016 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है ड्रामा एंड पोर्नोग्राफिक। 1 घंटे 17 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 5.9 की रेटिंग दी है। इस मूवी की स्टोरी दोस्तों कुछ इस तरीके से है कि एक औरत होती है, वो एक आदमी के पीछे पड़ ही जाती है हाथ धोकर, और वो जॉनी सिन से भी ज़्यादा ठरकी होती है। तो वो उस लड़के को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती, हमेशा उसके साथ ही चिपकी रहती है, उसके साथ वो सब दुष्कर्म करती रहती है। और नंबर 1 पे आती है इन बेड नाम की मूवी, जिसे कि सन 2005 में रिलीज किया गया था। इस मूवी का जोनर है ड्रामा एंड रोमांस। 1 घंटे 25 मिनट की इस मूवी को IMDb ने 10 में से 6.2 की रेटिंग दी है। 14 जुलाई 2006 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था। इस मूवी के डायरेक्टर थे मार्टिस बीजे, और इस मूवी के अंदर आपको ब्लांसा लेविन और कैंडोलो वेंजुएला के साथ साथ और ही बहुत से अच्छे एक्टर काम करते हुए नजर आ जाएंगे। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि बैलेंसा और गैंजेलो जो कि दो लवबर्ड होते हैं, वो एक दिन एक नाइट आउट स्टैंड करते हैं, मतलब कि पूरी रात आपस में लगे रहते हैं। तो उस चीज़ का क्या नतीजा होता है उनकी ज़िंदगी के अंदर, उनके कैरियर के अंदर, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इन बैड नाम की ये मूवी। तो दोस्तों यही थी टॉप 10 एडल्ट कॉमेडी मूवीज़ की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आज की लिस्ट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना, और साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों। और अगर इस वीडियो में 1000 लाइक आते हैं तो मैं इस वीडियो का अगला पार्ट भी जल्दी लेके आऊँगा। तो फाइनल में दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।